हे गाइस, वेलकम टू माय फैजी क्लासेस एंड दिस इज़ योर सईद फैजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के बारे में। टॉपिक है मेक द मोस्ट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किया जाता है, बट क्वेश्चन इज़ दैट इसे इंग्लिश में कैसे समझें, राइट? इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? सो डोंट वरी, जस्ट मैं आपको बताऊँगा कि इसका हिंदी में माना और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। गाइस देखिए, मेक द मोस्ट ऑफ का हिंदी में अर्थ होता है पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका हिंदी में अर्थ होता है पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। हमें इस तरह का सेंटेंस अक्सर बोलना पड़ता है कि मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, यानी अपने नॉलेज का पूरा फ़ायदा उठाओ, राइट? वह अपने बाल का पूरा पूरा फ़ायदा उठाती है। तो अगर आपको इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो, पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, तो आप यूज़ करेंगे मेक द मोस्ट ऑफ। बट बिफोर दैट, चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या है? इस एम आर, वास वर, विल, सेल, हैस, हव, ये सब सहायक क्रिया है। जिस टेंस में रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। उसके बाद आप यूज़ करना है मेक द मोस्ट ऑफ, उसके बाद अदर वर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फार्मूला है, इसी के माध्यम से इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। सो चलिए अब लेते हैं एग्जांपल्स ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, हमारा पहला एग्जांपल है, मैं अपने पैसों का पूरा पूरा फायदा उठाता हूँ। तो आप लिखेंगे आई मेक द मोस्ट ऑफ माई मनी, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई मनी। गाइस देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में पूरा पूरा फायदा हो तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर देंगे मेक द मोस्ट ऑफ, एंड देन जो बचेगा ऑब्जेक्ट में लिख देंगे ऑफ माई मनी। तो हो गया आई मेक द मोस्ट ऑफ माई मनी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अपने ज्ञान का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो आप लिखेंगे वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज। नेक्स्ट एग्जांपल्स। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल्स है, मैं इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। तो आप बनाएंगे आई मेड द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं मेक के बजाय मेड का यूज़ किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस के आखिर में आ, ई, ए, ता, था आ जाए तो वहाँ पे उसकी क्रिया सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए मैं मेक की होती है क्रिया सेकंड फॉर्म मेड होती है। सो ये मैं यहाँ पे मेड लिखा। तो आपका सेंटेंस बना आई मेड द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मीन्स मैं इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपने नॉलेज का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। तो बनाएंगे ही मेड द मोस्ट ऑफ हिज नॉलेज, ही मेड द मोस्ट ऑफ हिज नॉलेज। सो गाइस, इस तरह से आपको टॉपिक पूरी हुई। आई होप ये टॉपिक आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से इस तरह के टॉपिक से इंग्लिश सीखते रहें। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।